नमस्कार, मैं सौरभ पंत, सहायक अध्यापक एलटी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यम, ब्लॉक लमगढ़, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हमने रोटेशनल मैकेनिक्स लिया। ये हमारा जो जिसे कहेंगे मैकेनिक्स का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होता है, इसका टॉपिक लिया हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सर्कुलर रिंग प्योर रोलिंग। छल्ले का जड़त्व आघूर्ण और संपूर्ण गति ऊर्जा निकालनी, और जबकि कंडीशन है कि प्योर रोलिंग होगी। प्योर रोलिंग का अर्थ यह है कि बॉडी रोल भी करेगी, घूर्णन भी करेगी, ट्रांसलेशन भी करेगी, लेकिन उसमें स्लिपिंग नहीं होगी। इसको कहते हैं प्योर रोलिंग। आइए बच्चों, आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, जो कि शायद मैकेनिक्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी कॉन्सेप्ट्स हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर चीज़ का हर एक एक्सेस के सापेक्ष और अलग अलग आता है, और एक्सेस को पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है कि जब इसका रोटेशन हो रहा है तो किस एक्सेस के अक्रॉस हो रहा है। तो एक प्रयास करते हैं कि इसको कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहला हमने टॉपिक लिया है इसमें सर्कुलर रिंग। जैसा कि ये देखिए, ये क्या है, रिंग है। रिंग एक्चुअली कुछ नहीं, एक वृत्त है या चूड़ी का छल्ला, देख लीजिए। ये सब आकर रिंग के उदाहरण हैं। अब रिंग हमारी कुछ इस प्रकार की होगी, इसका अपना क्या होगा, केंद्र होगा। अब इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब हम बात करें, तो पहले तो इसमें देखेंगे इसमें मास डेंसिटी कौन सी होगी। चूंकि इसका एरिया नहीं है, सिर्फ लेंथ है, तो इसमें मास डेंसिटी कौन सी होगी, लैम्डा वाली, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी तो ये हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू, मान लिया रिंग का टोटल मास सपोज एम हो गया, और अब की बार इसमें लेंथ की जगह सर्कमफ्रेंस है, और अगर हम इसकी रेडियस को आर एज्यूम कर लें तो ये हो जाएगा एम अपॉन टू पाई आर। इसके बाद अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे किसके अक्रॉस। सपोज कीजिए, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है कि ये हमने एक रिंग है, इस रिंग को अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ इस एक्सेस के अक्रॉस, ये एक्सेस है ना, जिस एक्सेस के अक्रॉस घूम रही है उसका पता लगाना बड़ा सिंपल है, वो चीज़ घूमे और वो एक्सेस बिना घूमे रहे। तो ये एक्सेस देखिए, ये बिना घूमे रह रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अ लाइन पासेस थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, यानी कि रिंग के परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर से पास हो रही है। तो ये हमारा पहला टॉपिक बनेगा, इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। आइए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो एक्सेस कैसी थी, इस तरह से इसके परपेंडिकुलर है, रिंग के सेंटर से जा रही है, और रिंग के जो उसकी, अगर हम वहां से एक प्लेन ड्रॉ कर दे तो उस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मान लिया ये एक छोटा सा मास हमने ले लिया डीएम, इसकी डिस्टेंस होगी आर, तो इसके थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस रिंग का, वो क्या होगा, डीएम इंटू, इसकी रेडियस को हमने कैपिटल आर माना है, आर स्क्वायर। अब आप देखिए, समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मास होगा डीएम, तो ऐसे डीएम अगर हम हर एक डीएम का निकालते जाएं और पूरे को जोड़ लें तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरी की पूरी रिंग का मास। तो यानी कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई, सम को हम लोग क्या कहते हैं, डीएम इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन एक तरह से आपका सिग्मा भी होता है, यानी कि योग के बराबर। तो आर स्क्वायर बाहर ले ले तो अंदर हमारा क्या बचता है, डीएम, और डीएम वो टोटल रिंग का मास हमने क्या मान लिया है, एम। तो ये फॉर्मूला आ गया रिंग का, एम आर स्क्वायर। ये कब आया, जब जो एक्सेस है वो उसके सेंटर से जा रही है और वो उसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब इसके बाद हम प्रयास करते हैं, सपोज करिए कि आपको इस एक्सेस के अक्रॉस निकालना होता, मान लिया ये रिंग किसी तरह से यहाँ घूम रही होती, किसके, जो मैंने मार्कर लगा रखा है इसके डायमीटर पे है, और ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको कैसे निकालते। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या कहता है कि आई पी, सपोज यहाँ इसको हमने आई पी बोल दिया, यानी कि अब की बार जो एक्सेस बनी हमारी कुछ इस तरह की बनी है, ये वाली बनी है, ये आई पी हो गया मान लिया। तो आई पी इज इक्वल टू आई सी एम, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सेस, और अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखें, अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, इसकी ये क्या है, इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस के इक्वल, तो ये हो जाएगा प्लस एम आर स्क्वायर। तो आई पी इज इक्वल टू आई सी एम, हमें पता है ये चूंकि सेंटर से परपेंडिकुलर, ये इसके पैरेलल है, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो आई पी इज इक्वल टू टू एम आर स्क्वायर। इसमें जो मेन चीज है वो यही ढूंढनी है कि जब भी आप जिसके अक्रॉस निकालें, देखें कि वो बेसिकली किसके पैरेलल आ रही है या इसके परपेंडिकुलर आ रही है। तो ये तो हमारा बेसिक फार्मूला था, इस बेसिक फार्मूला को आपको सीखना निकालना है। फिर हमने इस बेसिक का प्रयोग करके हमने क्या निकाल लिया, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर को जो टच करती हुई एक लाइन जा रही है, या उसकी, सॉरी,
उसके सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए जो एक्सेस है और वो इसके पैरेलल थी। इसी तरह से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं एक ऐसी एक्सेस के अक्रॉस भी, सपोज कीजिए जो इसका डायमीटर हो। अगर मान लिया हमें इसके डायमीटर के अक्रॉस निकालना है, तो देखिए जैसे ये डायमीटर हुए, अब इसके लिए क्या करा जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम जो थी हमारी वो क्या थी, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये आपकी आई जेड भी होगी जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहेंगे, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। अब इसमें गौर करें, नॉर्मली जो हमारे पास सर्कुलर रिंग है इसकी रेडियस हमने इक्वल मानी, ये यूनिफॉर्म है, तो इसके दोनों जो डायमीटर है वो लेंथ के इक्वल हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये दोनों डायमीटर इक्वल हैं तो हम इसको भी आईडी मान सकते हैं और इसको भी आईडी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के इक्वल रेडियस जब सेम है तो इक्वल आ जाएगा। हाँ, ये कब अनइक्वल होगा, जब ये इलिप्स का केस हो जाए। अब इलिप्स में क्या होगा कि एक्स एक्सिस की ये लेंथ अलग है, वाई की अलग है, तो यहाँ पर आप आई एक्स डज नॉट इक्वल कहेंगे आई वाई, लेकिन यहाँ ये केस नहीं लगेगा। ये था आई जेड, आई जेड हमें पता ही है, जो भी हमने निकाला था वो था एम आर स्क्वायर, तो ये आ गया टू आई डी, तो आई डी आ गया एम आर स्क्वायर बाई टू। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अक्रॉस कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई टू। अब मान लिया कि मुझे ऐसे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप देखिए ये सर्कमफ्रेंस से ग्यारह एक्सेस और ये किसके पैरेलल है, ये डायमीटर के पैरेलल है। तो यानी कि अब जो हमारा एक नया हमें निकालना है वो कुछ ऐसा निकालना था, तो हमें यही देखना है कि जिसके अक्रॉस निकालना है वो किसके पैरेलल है जिसका हमें नोन आंसर है। तो हमें नोन आंसर इसका था, तो अगर इसके अक्रॉस निकालना हो तो फिर हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो सपोज इसको हमने आई वन बोल दिया, तो आई वन इज इक्वल टू आई डी और इनके बीच दोनों एक्सेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई वन इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, तो आई वन आ गया थ्री अपॉन टू एम आर स्क्वायर। तो बच्चों ये मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कैसे इसको निकालते हैं। अब अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सपोज कीजिए कि आपने रिंग को, कोई इंक्लाइंड प्लेन है उससे हमने इस रिंग को गिरा दिया, मान लिया हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, या अगर इंक्लाइंड नहीं भी है, हमने नॉर्मली एक बच्चे करते हैं ना, खेलते हो गेम, कोई चूड़ी को ऐसे घुमाते हुए फेंक देता है, तो जैसे चूड़ी को किसी बच्चे ने घुमाते हुए फेंक दिया, तो चूड़ी ऐसे घूमते हुए चलती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात आती है। मान लिया जो ये रिंग है ये वी स्पीड से मूव कर रही है, अब क्योंकि ये खाली मूव नहीं कर रही, ये रोलिंग भी कर रही है और आगे को गति भी कर रही है, स्लाइडिंग भी कर रही है अगर इसको ऐसा कहें तो, इसमें यह ट्रांसलेशन कर रही है, तो इसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक तो रोलिंग होगी और एक ट्रांसलेशन। सपोज इसका मास m हो गया, तो जो के टी है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी वो तो हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। अब बात आई रोटेशनल की, ये कैसे निकलेगी, तो जब भी बॉल रोटेट करेगी आपको ये देखना है कि उस समय उसकी एक्सिस फिक्स्ड कौन सी है। जब ये रोल करते हुए आगे को बढ़ेगी तो आप देखिए डायमीटर के अक्रॉस अगर हम लें तो डायमीटर तो इसका लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो खुद ही मूव कर रहा है, लेकिन जो ये है ये चीज़ देखिए अनमूव है, तो हम क्या कहेंगे, इसका जो रोलिंग हो रहा है वो एक ऐसी एक्सेस से हो रहा है जो इसके सेंटर से जा रही है और इसके परपेंडिकुलर है। देखिए तो इसका रोलिंग किसके अक्रॉस हो रहा है, इसके अक्रॉस। तो जब आप इसकी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी लेंगे जो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और इसमें मेन है आई, तो इसका आई क्या होगा, आई ये ढूंढना सबसे मुश्किल काम है, तो इसका आई क्या होगा, एम आर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो रिंग है, रिंग का सेंटर से जाने वाली और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर, और इसकी जगह ले देंगे वी स्क्वायर, क्योंकि वी बराबर क्या होता है आर ओमेगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और रोलिंग भी वही आई थी और ट्रांसलेशन भी वही आई थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल आ गई एम वी स्क्वायर। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, अब हम इसी को यूज करके डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे।